चांदनी भाभी की तुम्हें फिक्र बहुत है, इतनी तुमने सेठानी की कभी ना की। चुप रह, तू भी ना बहुत बहुत मजे ले रहे हैं, मुझसे बता रहा हूँ, चुप रह। ना ना, मैं तो कह रहा हूँ। हाँ चल ठीक है। एक बात बताऊँ? हाँ देखो, आज पानी ना आएगा। हाँ मैं सोच रहा हूँ बस सूखी सूखी कर दूँ। हाँ सूखी कर दे, क्या कर सकते हैं यार। मैं ये कह रहा हूँ कसम से, गर्मी ने ऐसा हाल बना रखा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कभी कभी मेरे अंदर किसी ने ढाबा खोल दिया है और तंदूर वाली फीलिंग आ रही है, तप रहा हूँ मैं बिल्कुल। अरे सही कह रहे हैं, बहुत गर्मी पड़ रही है छोटे, अब सोच ले। हाँ। कि ये पानी की तंगी ने जो है चांदनी चौक में कैसा सूखा डाल दिया है, ऊपर से पाइपलाइन फट गई, अब ये ठीक होने नहीं पा रही है, बताओ, ये तो इसका काम तो शुरू होना चाहिए ना। अरे सेठ जी, होने को तो पूछो मत क्या क्या होना चाहिए। ये देखो सेठ जी ऐसी करियो। अरे देखा, कम हो गए ना, हल्का हल्का लगेगा। तो मैं ये कह रहा था कि गर्मी की वजह से हालत तो सच में खराब है, और होने को मोहल्ले में ना सेठ जी स्विमिंग पूल होना चाहिए, फुब्बारे होने चाहिए पानी के, और ये जितनी भी सेठ जी अवैध दुकानें हैं ना फालतू की, ये सब टूटनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, कुछ ना हुआ। ना ना, तुम्हारी दुकान ना टूटनी चाहिए, लहंगे की दुकान तो अंदर है ना, वो बनी रहेगी। और इलायची कैसी है? अबे गरम लू जैसी है, पास मत भटकियो उसके। अरे सेठ जी छोड़ो ना उसको, मैं क्या कह रहा हूँ, रेडियो के चक्कर में ना पड़ो, वो तो है ही। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा मन हो रहा है अभी कि मैं यमुना किनारे बस जाऊं तंबू लगा के, और दिन भर पानी में ऐसे गोते मारूं ठंडे ठंडे, मजा आ जाएगा ना, 24 घंटे पानी। अरे यार छोटे, हाँ? आज तो अपनी खबर आई है चांदनी चौक की अखबार में। कौन सी है, सुना? हाँ तो सुन ले, चांदनी चौक पानी की तंगी से बेहाल, गर्मी के मारे वो दिन दूर नहीं जब चांदनी चौक रेगिस्तान में बदल जाएगा, लोग लाल किले से टाउन हॉल तक ऊंट पर जाएंगे, ऊंट के दूध की चाय मिलेगी और ऊंट के दूध का पनीर। हाँ भाई, कौन बना रही है पनीर, पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, पहले आप ये बताओ कहाँ पहलवानी करने जा रहे हो तौलिया वालिया लपेट के। अरे आधी बाल्टी पानी थी, उससे भी सब्जी धो डाली सारे ने। साहब जी, मैं तो ये कर रहा हूँ, आप तो बिना धुले सब्जी खाते ही नहीं है ना, चाहे आपको नहाने का त्याग क्यों ना करना पड़े। हाँ यू आर राइट मंगीलाल, है ऐसा। अरे भैया दरोगा जी, सबसे अच्छी तो आपकी सब्जी है, कम से कम उनको नहाने को पानी तो मिल रहा है पूरा, यहाँ तो एक बूंद नसीब ना हो रहा है। अरे दरोगा जी, आप कह रहे थे क्या समस्या चल रही है पानी की। सेठ जी, इस पानी की समस्या तो हम सब झेल रहे हैं, ऐसा है कि पानी है कहाँ, अब इसमें पिंकी जी क्या कर सकते हैं, आपको पता है पिंकी जी ने खुद 3 दिन से राजमा नहीं भिगोए, पानी नहीं है, बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। अरे रहकर दरोगा जी एक बात बताओ, कि आपके रहते ये तो पता लग जाना चाहिए ना कि कब तक ये पानी की समस्या दूर होगी, पाइपलाइन पे काम कब शुरू होगा। देखो सेठ जी, पिंकी जी पुलिस इंस्पेक्टर हो रखे हैं, म्युनिसिपैलिटी के नहीं, जो ये सब खबरें रखे हैं। मंडी का भाव पूछ लो इससे, उसकी खबर है इसके पास, वर्दी पर कलंक। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आपकी वर्दी पुरानी हो चुकी ना, तो नहीं सिलवानी थी आपको। अरे हाँ मंगीलाल, अच्छा तूने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था। चल चल जाके वर्दी का ना नाप दे देते। जी, जी जी। अच्छा सेठ जी, हम जा रहे हैं, बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। चलिए आइए। हाँ चल चल। तुम छोटे, पानी की समस्या कब खत्म होगी, पाइपलाइन पे कुछ बात ही ना कर रहे आज है, सरकारी आदमी बात ना कर रहे हैं इस बात पे। चांदनी भाभी के यहाँ चले जाओ। यार एक तो ये गर्मी, ऊपर से पानी की कमी, लगता है आज ना सारे कस्टमर्स को दूर से फेंक फेंक के दिखाने पड़ेंगे कपड़े। पागल है क्या, क्या कर रहा है, गंदा कर दिया मुझे। अरे नहीं भाई, इसे ना अपने यहाँ कौवा स्नान बोलते हैं, जैसे कौवा ना अपनी मुंडी नदी में ऐसे डुबो डुबो के, उसे लगता है कि उसने पूरा स्नान कर लिया। बस भाई उसी तरह की ना अपनी इमरजेंसी पानी बचत सुनाने योजना है ये। अबे छोड़ यार, क्या जमाना आ गया है, पानी की भी बचत करनी पड़ती है, ये सब टंटे ना आजकल के हैं भाई। अरे यार तेरे बड़े टंटरम हो रखे हैं। क्या बोली जा रहा है, क्या बकवास कर रहा है, सुन तेको पता है
मेरे दादाजी मुझे बताते थे कि उनके समय पे ना खूब सारा पानी होता था और दूर दूर से जल परियां उन्हें मिलने आती थी। एक का नाम था रुक्मणी। भाई सच बता रहे हो ना, आज तेरे दादाजी के लिए ना मेरे मन में बड़ी श्रद्धा उमड़ रही है। कसम से बड़े अपने अपने से लग रहा है, मन कर रहा है उनके पैर पकड़ लूं, जकड़ लूं एकदम। अच्छा हाँ। क्यों क्या ना, आज पहली बार जिंदगी में मुझे कोई अपने से बड़ा गप्पी मिला फेंकू। बकवास क्या कर रहा है, पागल है क्या? अगर नहीं माने मत मान, मेरे दादाजी हमेशा हमसे सच बोलते थे। पीते थे? फालतू बकवास मत कर पिंटू, मैं बता रहा हूँ ये मजाक की बात नहीं, मैं तुझे फोड़ दूंगा। पीने के बाद जलपरियां दिखती है तुझे? बकवास कर रहा है, चल ऐसा बना। सुनो 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 सुन, पानी जलपरी आइडिया यार। हाय रब्बा इलू, प्लीज इस बार कुछ उल्टा बुढ़ा मत सोचियो। बेटा उल्टे आइडिया से ही तो पानी आएगा। और वैसे भी यार अब तो हम मर्मेड बने के जलपरियां हैं। जलपरियां क्यों? अरे सुनो, तूने सुना नहीं भोले जीजाजी को कितना विश्वास है उनके दादाजी की पुरानी कहानी पे जलपरियों की? तो बस लेंगे अब थोड़े से मजे और गर्मी में पानी के छपाके। जोर से खोजे यार जरा। इलायची के पापा, अरे तुम्हारी ना खुजली बढ़ती जा रही है एकदम, एक टैंकर मंगा लो ना, नहा लोगे ना तो खुजली खत्म हो जाएगी। पागल हो रही है क्या है? खुजली खत्म करने के लिए वो 20 रुपए का पाउडर आता है, है? उसे मिटाने के लिए मैं 2000 रुपए का टैंकर मंगा दूं, पैसे बर्बाद करने का मुझे? अरे तुम्हारे बचत के चक्कर में ना तुम्हारा पीठ है दांत खाज खुजली का खेत बन जाएगा। फिर भूल जाना अपनी करू को, शादी के वक्त ना मैंने खुजाने का वचन ना लिया था, मेरे तो भाग्य फूट गए। जे जे छटंगी भैया। बैठो बैठो। क्या हुआ जी जी, कुछ कहा है इस आदमी ने तुमसे? इस आदमी से क्या मतलब है तेरा? पति हूं मैं इसका, बात कर रहा है। इसी बात का तो दुख है, अपना अपना सोचता है ये स्वार्थी आदमी, किसी को किसी के दुख तकलीफ से कोई मतलब ना है। जी जी एक काम करो, जरा हमारे पकोड़े खाने को मन कर रहा है, ले आओ गर्मा गर्म। चटंगे भैया अभी ना पकोड़े बनाने का मन ना है, किचन में गैस के सामने गर्मी से पूरे पसीने से भीग जाऊंगी मैं। कैसी बातें कर रही है पगली है, जब पसीना आएगा तो ठंडा लगेगा, जब ठंडा लगेगा तो गर्मी अपने आप भाग जाएगी। अच्छा इसमें कोई स्वार्थ ना है इसका, बता जी जी मरे जिए कोई फर्क ना पड़ रहा है। तुम काहे को सुलग रहे हो जीजा जी? मुझे इतना मालूम है कि मेरी बहन को मुझे खिलाने में खुशी मिलती है और मैं उसे खुशी देना चाह रहा हूँ, तुम क्यों टन टन आ रहे हो भैया? छटंकी भैया अभी तो खुशी नाम ही लगी। अरे अरे कैसी बातें कर रही है, मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से मेरी खुशी में तुझे खुशी मिलती है, तू जा बना बना बना। अब ज्यादा दिन मेरे हाथ के पकौड़े ना खा पाओगे। क्यों, क्या पैरों से बनाना शुरू कर दिए तूने? हाँ तेरी बहन है कुछ भी कर सकती है। देखो जीजा तुम मुझे चाहे जितनी गाली दे लो, लेकिन मेरी बहन का मजाक मत बनाया करो, मैं टंटना जाता हूँ, समझ गए? हाँ मजाक तो मैंने तेरा भी बनाया था, तू समझा ही नहीं। ओहो इलायची के पापा चुप करो ना। और छटंकी भैया तुम भी ना बात को कहां से कहां ले जाते हो, अपने एक रिश्तेदार है उनकी बेटी सुमन का रिश्ता आया तुम्हारे लिए। भाई सही वक्त पे लड़की ढूंढी है मेरे लिए, अभी तो 3 महीने हैं हाथ में है। अरे 3 महीने बाद पेशी होगी इसकी, समझ रही है तू? बस सुन करूं मैं तुझसे एक बात कह रहा हूँ, किसी की बेटी की जिंदगी मत बर्बाद करवा, बता दिया मैंने, किसी की हाय लेना अच्छी बात ना है। चुप हो जाओ इलायची के पापा। छटंकी भैया वो लड़की वाले ना तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैंने ना आज आने के लिए मना कर दिया सुमन को। तो कोई बात ना है, कल मिल लेंगे, लेकिन एक काम करना, जीजा जी को उसके आसपास भटकने मत देना, समझ गए? क्योंकि तुम अपने खुजाऊ आसन में बैठ जाओगे, हमारी शादी होने से पहले टूट जाएगी। अगर आपको अपनी खुजली की ठसक मिटानी है तो छोटे की दुकान पे चले जाना, हमें टेंशन मत देना। चुप रहे। देखो तो कौन सा ब्रेक डांस कर रहे हैं, बहुत हो रही है खुजली। अरे कुर्सी टूट जाएगी इलायची के पापा। अरे भाई साहब छिड़क लिया पानी, अब अगर भिंडी को होश आ गया हो तो आधा किलो तौल भी दो। अच्छा मजाक कर लेते हैं बहन जी, और क्या दे दें? और अरे ये आप हरी मिर्ची की जगह ये लाल मिर्ची क्यों बेच रहे हो? हरी मिर्ची थी,
गर्मी में गुस्से आके लाल हो गई है। चलो छोड़ो, एक काम करो आप ना, ये हमको आधा किलो आलू दे दो। ये आलू ना है, टमाटर है। ये कैसा टमाटर हो रखा है, सफेद सफेद एकदम मुर्गी के अंडे जैसा। अबे चुप रहना। बुबू हम क्या कह रहे हैं कि वो गर्मी बहुत बढ़ गई है, पसीना आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी भट्टी के ऊपर बैठा है। तो चुप चाप, जल्दी से एकदम ड्रॉप ना मामा। ठीक है बुबू। अच्छा ठीक है, तो फिर थोड़ी देर रुक के देख लेने दो। क्या भट्टी पे बैठे इंसान की सिकाई, अब रोज रोज थोड़ी अजूबा देखने को मिलता है। कौवा। अरे क्या हुआ बुबू? भिंडी लेने गए थे। अच्छा ओ ठीक है, फिर भिंडी तोल दो। अरे खीसे भौने पेड़ते, तोड़ोगे भी कि गमछा ही घुमाओगे? जीजा जी। हाँ पिंडू भाभी। अरे ठीक है, क्या हुआ, किसने छेड़ा आपको बताओ, अभी उसका मुंह तोड़ के हाथ में दे देंगे। मेरा मतलब बुगु पीटेंगे उस गुंडे को अभी। उफो यार पिंडू भाभी, यहाँ पे सबको आप में इंटरेस्ट है, मुझे नहीं किसी ने छेड़ा, मैं तो ना किसी और बात के कारण रो रही हूँ। अरे आप घबराइए मत, आप बताइए क्या हुआ है, हम करेंगे आपकी मदद। क्या हुआ जीजा जी? वो इलू। इलू? क्या इलू? क्या, अरे क्या इलू, इलायची जी क्या ठीक है वो? क्या क्या हुआ उनको? अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी ना तो आप लोग मेरा यकीन नहीं करोगे। अरे आप बताइए तो सही, सुनीता जी क्या हुआ है? वो क्या है ना, इलू एक ना जलपरी है, और इतनी गर्मी में ना वो बहुत छटपटा रही है, उसकी हालत ना मुझसे देखी नहीं जा रही है, बाय गॉड। अच्छा इलू जल पर ही है, क्या बात है क्या बात है, इतना बड़ा आज तक किसी ने नहीं फेंका है हमारे सामने। वेरी गुड सुनीता जी, वेरी गुड, मतलब आपको हम ही एक बेवकूफ मिले हैं आज यहाँ पर बेवकूफ बनाने के लिए। मैंने कहा था ना आप मेरा यकीन नहीं करोगे जीजा जी, पर कोई बात नहीं, आप ना खुद चल करके देख लो, है ना, आप मेरे साथ चलो, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ जीजा जी। अब सुनीता जी कह रही है तो बात सच होगी, सुनीता जी झूठ थोड़ी बोलेंगी, चलो एक बार चल के देख लेते हैं ना। थैंक यू पिंटू भाभी, पिंटू भाभी सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। गुगु। हाँ वो सुनीता जी दरअसल क्या है कि हमें बड़ा काम है तो हम दुकान जा रहे हैं, तो जैसे ही आपको आपकी जल परी मिल जाए, आपकी काल्पनिक जल परी, तो हमारे पास दुकान पे जरूर लेके आइएगा। नमस्कार। चलो बुबू ले आना जरा भिंडी, वैसे तो है ना तुम्हारे पास? हाँ, हम दे दे। चलो चलो चलो। हाँ ओके। मैं आपको झूठी लगती हूँ बिंटू भाभी? ना ना आप झूठी नहीं लगती, आप तो ना क्यूट लगती है। सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। हेलो जी बोलिए, कुल्फी के साथ फालूदा भेज दें? अरे भाई साहब आपको कितनी बार बताया ये बिट्टू हलवाई की दुकान नहीं है, और रख। पागल। जीजा जी पानी पानी क्या अरे क्या हो गया? अरे लाइजी जी क्या, अरे अरे क्या हो गया लाइजी जी? अरे 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 ये लीजिए अरे आपको मेरी हालत दिखाई नहीं दे रही जीजा जी, क्या पानी के बिना मेरा मेरा शरीर शरीर सूखा जा रहा है। अरे वो इलायची जी गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है कि सब्जी से लेकर इंसान तक सब सूख गए हैं, आप ये बताइए इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, मतलब जान पूछ के अनजान मत बनिए जीजा जी। मुझे पता है, सुनो ना मेरी हालत के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया। हाँ जी 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 इलायची जी बिल्कुल, सुनीता जी ने हमें सब कुछ बता दिया है, उन्होंने हमें बताया कि आप एक जल परी हैं और आपको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि हम ऐसी कहानी पर विश्वास कर सकते हैं। कल को आप कहेंगे कि आप स्पाइडर वुमन हैं, परसों आप कहेंगे कि आप एक्वा वुमन हैं, आप कुछ भी हैं, मतलब हम थोड़ी ना मान लेंगे। अरे अरे इलायची, तू आजकल स्कूल से ज्यादा अपनी दुकान पे हाजिरी दे रही है। अरे पढ़ ले। अरे सुन टम टम। सर जी पंचम। अरे हाँ पंचम सुन, मेरी पीठ पे बहुत खुजली हो रही है, जरा खुजला दे। सर जी आप फिर से हमें बोल रहे हैं, आपको हमने बताया था ना, हम जबरदस्ती इस तरह से आपकी खुजली नहीं कर सकते सेठ जी, वो क्या है कि हमें खुजली से एलर्जी, हम नहीं कर सकते सेठ जी। अबे चल इससे खुजला, चल जल्दी कर सेठ जी। हां खुजा खुजा सेठ जी। नहीं खुजा 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 खुजा। ओ गॉड।
अरे बाहर से ही खुजला दे ऐसा। मजा आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रही है। अरे सुन इलायची, तू गर्मी में मैं कह रहा हूँ ना, तू सेक, तू बाहर मत निकला कर, एक काम कर, चल अंदर चल, चल हट जा। अरे यार, चल आ जा अंदर जा, आजा आजा। अरे रे इलायची जी, एलर्जी, खुजली, एक खुजली, छी। देखिए इलायची जी, हमें सुनिए पहले, आप ये पैर छपछपाना बंद कीजिए। हमें सुनीता जी ने ना आपकी ये जलपरी की कहानी सुना के बहुत टाइम पास कर लिया उन्होंने। अब आप क्या हमें अपनी कहानी की क्लाइमैक्स सुनाने आए हैं? हमारे पास कोई टाइम नहीं है। जीजा जी, नहीं ठीक है, लेकिन याद कीजिए, कभी आपके नाना या दादा, कभी तो उन्होंने जलपरी की कहानी सुनाई होगी ना, और वो सच में एग्जिस्ट करती है जीजा जी। और मेरी वाली, मतलब मेरी वाली कहानी पे तो मतलब फिल्म बन सकती है, सच्ची बता रही हूँ। यही तो प्रॉब्लम है एलआईजी जी, आप हमेशा अपनी बातों के गोल गोल छल्ले बनाकर सीधा हमारे गले में फेंक देती है, और उसके बाद हमारा गला सीधा टैब होल जाता है। तो मतलब आपके कहने का मतलब क्या है कि मैं आपको इस बार भी सिर्फ तंग करने के लिए सब कर रही हूँ? जी मतलब मैं हर बार आपको झूठी कहानियां सुनाती हूँ? जी मतलब इस बार भी आप मेरी बातों में फंस जाएंगे? जी है जी। जीजा जी, विश्वास तो है ना आपको? ठीक है, कोई बात नहीं, पूनम की रात को खुद अपनी आंखों से आकर सच्चाई देख लीजिएगा। लाइफ में टंटे हो रखे मेरी। इलायची जी, टंटे कंफ्यूज भाग गए हैं। ओह माय गॉड, सुनीता जी बोलिए। हेलो, हाँ भाई साहब बोलिए। अबे नहीं मिलते यहाँ पे समोसे, अबे नहीं मिलता यहाँ पे कुछ ऐसा खाने पीने का आइटम, यहाँ पे साड़ी लेंगे मिलते हैं, समझा? इलायची जी, सुनीता जी, सुनीता जी, हाय हाय जी जी। अच्छा किया आप लोग आ गए, मैं ना बहुत परेशान हो गई थी, इलू की ऐसी हालत ना मुझसे देखी नहीं जा रही, बाय गॉड। पर इलायची जी है कहाँ? हाँ। मैं यहाँ हूँ जीजा जी। बिल्कुल ऐसी जलपरी ना हमने एक फिल्म में देखी थी, बस उसके कपड़े थोड़े से जीजा जी, अब तो आपको तसल्ली हो गई ना, मैं कह रही थी ना कि हर पूर्णिमा की रात को मैं जलपरी बन जाती हूँ ऐसे ही। इलायची जी, आपने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? कोई बात होती तो बताती ना, मेरा मतलब हर बार तो मैनेज हो जाता ना, लेकिन इस बार गर्मी ने ना सारे राज पिघला दिए हैं चीजा जी। इलायची जी, आपको ना पूनम की रात में सर्कस को जाना चाहिए, वहां पे ना बहुत पैसे मिलेंगे, आपके लिए तो स्पेशल टिकट लगेगा वहां पे। इलायची जी, वो बुबू, हमें लग रहा है कि तुम इलायची जी को इस रूप में देख के बौखला गई हो, कोई बात नहीं, शांति शांति। अच्छा चीचा जी, एक बात याद रखिएगा जी, प्लीज ये बात ना हम सबसे बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना बहुत बड़ा स्यापा हो जाएगा। कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए, कहीं कोई पागल साइंटिस्ट या कोई मीडिया वाला आ जाएगा और मुझे यहाँ से उठा के ले जाएगा, म्यूजियम में रख देगा, और आपको तो पता है मुझे एक जगह टिकने की बिल्कुल आदत नहीं है। म्यूजियम, म्यूजियम में भी तो देखने के पैसे लगते हैं। आप फिक्र मत करिए, हम आपका राज अपने साथ ही लेके जाएंगे। हाँ हाँ, गुगु ना राज को राज रखने में मास्टर हैं। अब देखो इतने दिन हो गए हम लोगों के यहाँ रहते, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता चला कि हम दोनों क्या पिंटू भाभी, मतलब हम दोनों में कितना प्यार है, सबको तो यही लगता है कि हमें बनती नहीं, हम झगड़ते रहते हैं। अच्छा पिंटू भाभी सेल्फी, हाँ ले लो ले लो। बुबू जी, चाची हर बार तो मैनेज हो जाता था कैसे ना कैसे करके, लेकिन देखो ना इस बार कितनी गर्मी है, दम जले हुए भुट्टे जैसी हो गई हूँ मैं, बस अब तो दिल करता है पानी से भरे हुए पूल में
बस डुबकी लगा दूं, मतलब लेट जाऊं ऐसे। इलायची जी, हमको तो ये लग रहा ना कि ऐसी गर्मी में आप पानी में बैठे बैठे कहीं उबली हुई शकरकंद ना बन जाएं। ओ, कौवा। हाँ? हाँ? पिंटू भाभी, टपको ना, मैं गैस पे रखने के लिए नहीं बोल रही हूँ। आप इलायची जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम आपके लिए पानी लेके आएंगे। हम लेके आएंगे मतलब कैसे भी जैसे भी हम लेके आएंगे। अबे तू क्या कुआं खोद के लाएगा पानी? मैं कह रही थी कि गुगू आसपास कहीं कुआं तो है नहीं, तो पानी कहाँ से लाओगे? वो दरअसल क्या है ना बुबू जी, हमें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे सर पे ना गर्मी चढ़ गई है, जोर से सांस अंदर बाहर लो, सब ठीक हो जाएगा। इलायची जी, आपको कोई दिक्कत ना हो तो आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि ये हुआ कैसे, आप ये बनी कैसे? वो क्या है ना जीता जी, एक बार ना एक साधु ना तपस्या कर रहा था और इलू ने ना गलती से उनके ऊपर पानी डाल दिया। तो वो साधु ने इलू को श्राप दे दिया कि वो हर पूनम की रात ना जलपरी बनेगी और उस रात को वो हर बार तरसेगी पानी के लिए, और देखो ना वो ही हो रहा है। ये तो बहुत बुरा हुआ। एक काम करिए इलायची जी, सुनीता जी, आप हमें जल्द से जल्द बताइए कि वो साधु जी कहाँ है, हम खुद जाके स्वयं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे, हम उन्हें कहेंगे गलती होगी इलायची जी से, उन्हें माफ कर दीजिए, आप बताइए। अरे कोई साधु है ही नहीं ना, लेकिन है जी। इलू का मतलब ये है कि साधु इसलिए नहीं है क्योंकि ना वो साधु अंकल की ना डेथ हो गई, तो वो श्राप निकाले बगैर ही चल बसे। हाँ जी, इतनी जल्दी चल बसे? जी, हमें ये जान के बड़ा दुख हुआ। आधी मछली चलते हैं। आधी मछली नहीं, जलपरी है, जलपरी। बहुत सदमा लगा गुग्गू को, बहुत बुरा लगा है। अभी वो साधु को मारने की क्या जरूरत थी यार? ओ हेलो, साधु नहीं है, बचाना नहीं था तुझे मैंने? हाँ ठीक है यार, छोड़ अब कुछ सोचती हूँ मैं। लेकिन तूने जीजा जी की शक्ल देखी? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।